था दोस्तों, अगर आप अपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के इंटरनेट बैंकिंग का यूजर नेम भूल गए हैं, पासवर्ड भूल गए हैं या प्रोफाइल पासवर्ड भूल गए हैं तो आज का वीडियो आप देखते रहिए। आज मैं आपको बताऊंगा विद इन वन मिनट आप अपना यूजर नेम प्रोफाइल पासवर्ड या यूजर पासवर्ड को कैसे रिट्राइव कर सकते हैं, वो भी बिना बैंक में जाए। मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं कंप्यूटर गुरुजी चैनल। चलिए बढ़ते हैं आज के। सब्सक्राइब करें कंप्यूटर गुरुजी चैनल को, सब्सक्राइब के बटन को दबाएं और बेल आइकॉन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। वेल फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे चले जाना है। जैसे आप जाते हैं तो यहाँ पे आपको लॉगिन विंडो दिखती है, ठीक उसी के राइट में फॉरगेट यूजर नेम के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको अपना CIF नंबर डालना है जो कि आपकी पासबुक पे होता है, और उसके बाद अपना कंट्री कोड डालना है, और उसके बाद आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना है। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको कोड डालना है और सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल के ऊपर जो है OTP जाएगा, उस OTP को आप यहाँ टाइप करें और कन्फर्म के ऊपर क्लिक कर दें। आपका यूजर नेम जो है आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के ऊपर भेज दिया जाता है और आपको यूजर नेम जो है वो मिल जाता है। अगर आपके पास यूजर नेम आ जाता है और उसके बाद आपको जो है पासवर्ड की प्रॉब्लम आती है, जो आपका लॉगिन पासवर्ड होता है वो आपके पास नहीं है, वो आप भूल गए हैं, तो आपको क्या करना है, उसके बाद यही सेम उसी साइट पे जाके आपको फॉरगेट लॉगिन पासवर्ड पे जाना है और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। यहां पे आपको अपना यूजर नेम डालना है, अकाउंट नंबर डालना है, कंट्री डालना है, मोबाइल नंबर जो रजिस्टर्ड है वो डालना है, उसके बाद आपको अपनी डेट बर्थ डालनी है, और उसके बाद जो यहाँ पे कैप्चा दिया है ये यहाँ पे आपको डालना है। जैसे आप ये सारी डिटेल्स डाल देते हैं तो उसके बाद आपको सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करते ही आपके पास OTP आएगा, अपने रजिस्टर्ड मोबाइल पे जो OTP आए उसको डालें और कन्फर्म के ऊपर आप क्लिक कर दें। उसके बाद आपके पास तीन ऑप्शंस आती हैं कि आपको अपना ATM कार्ड यूज़ करना है या प्रोफाइल पासवर्ड यूज़ करना है या दोनों में से कुछ भी यूज़ नहीं करना। यहाँ पर अभी हम ATM कार्ड की डिटेल्स को यूज करते हुए अपना लॉगिन पासवर्ड जो है वो रिट्राइव करेंगे। तो सबसे पहले आपको जो है कार्ड की डिटेल डालनी है, उसकी एक्सपायरी डेट डालनी है, कार्ड होल्डर का नाम और ATM पिन डालने के बाद आपको यहाँ पे प्रोसीड कर देना है। सेम वहाँ पे आपके पास जो है आपसे पूछेगा कि आप अपना नया पासवर्ड डालें, आपको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से पासवर्ड डाल के सबमिट कर देना है। और अगर आप अपना ATM कार्ड की डिटेल यूज़ करना नहीं चाहते तो पासवर्ड जो है उसको रिट्राइव करने के और भी मेथड हैं। आप अपना प्रोफाइल पासवर्ड यूज़ कर सकते हैं, और आप अब दोनों में से कोई भी ऑप्शन चूज़ नहीं भी कर सकते हैं। ATM कार्ड भी ना यूज़ करें, प्रोफाइल पासवर्ड भी यूज़ ना करें। तो अभी यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप विदाउट ATM कार्ड और प्रोफाइल पासवर्ड आप चूज़ करते हैं और सबमिट करते हैं तो उसके लिए आपको अपना जो है रीसेट योर लॉगिन पासवर्ड एट ब्रांच पे करवाना पड़ेगा या रिसीव ए न्यू लॉगिन पासवर्ड बाय पोस्ट, आज आपके घर में बाय पोस्ट आ जाएगा। दोस्तों, आप सबके कमेंट्स आते हैं, आपके क्वेश्चन आते हैं, उनको पढ़ के बहुत अच्छा लगता है और आपके कमेंट्स के अकॉर्डिंगली ही हम वीडियो बनाते हैं। सो फ्रेंड, कमेंट जरूर करें सो दैट हम आपको जो है बेटर वे में सर्व कर सकें। ये दो ऑप्शन आ जाती हैं और आपको सबमिट करना है, और उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आप प्रोफाइल पासवर्ड से रिट्राइव करें अपना फॉरगेट लॉगिन पासवर्ड तो आपको जो है यूजिंग प्रोफाइल पासवर्ड के ऊपर क्लिक करना है और सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट करते हैं तो आपको यहाँ पे अपना प्रोफाइल पासवर्ड देना है और अगेन आपको सबमिट करना है, और उसके बाद आपको अपना लॉगिन पासवर्ड यहाँ पर डाल देना है जो भी आप चाहते हैं, और उसके बाद आप जो है इसको सबमिट करें और आपका लॉगिन पासवर्ड आपको मिल जाता है। ये देखिए, लॉगिन पासवर्ड हैज़ बीन रीसेट सक्सेसफुली। और अभी फ्रेंड्स ऑप्शन आती है कि आपके पास यूज़र नेम है और पासवर्ड है तो आप जो है यहाँ पे एंटर कर जाते हैं अपने नेट बैंकिंग के अंदर, और यहाँ जाने के बाद अगर आप चाहते हैं कि मैं इनको चेंज करना चाहता हूँ तो आप अपने माई अकाउंट में जाएं, प्रोफाइल में जाएं, और यहाँ पे ये देखिए प्रोफाइल के अंदर चेंज पासवर्ड आता है, तो चेंज पासवर्ड के अंदर फॉरगेट प्रोफाइल पासवर्ड ऑप्शन है। अगर आपको अपना प्रोफाइल पासवर्ड ही भूल जाता है तो सबसे पहली ऑप्शन में आप जो है अपना एक हिंट क्वेश्चन और उसका आंसर दे के उसको रिट्राइव कर सकते हैं। जैसे आप सबमिट करते हैं तो आपके पास जो है नया पासवर्ड आपसे मांगता है, और आप जो है नया पासवर्ड यहाँ पर डालें और उसके बाद जो है आपका प्रोफाइल पासवर्ड आपको मिल जाता है, जिससे आप सारी ट्रांजेक्शन जो है कर सकते हैं, न्यू पे ही ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आप जो है नया हिंट क्वेश्चन भी सिलेक्ट कर सकते हैं
हैं। जैसे आप सबमिट करते हैं तो आपका जो है नया प्रोफाइल पासवर्ड जो हो आपको मिल जाता है। मगर एक सिचुएशन ऐसी होती है कि जब आपके पास प्रोफाइल पासवर्ड भूल गया है बट आपको हिंट क्वेश्चन भी भूल चुका है, आपको पता नहीं है कौन सा हिंट क्वेश्चन था, तो प्रोफाइल पासवर्ड को रिट्राइव करने के लिए आपको यहाँ पे प्लीज क्लिक हेयर यहाँ पे दिया हुआ है, अगर आपको अपना हिंट क्वेश्चन भूल चुका है तो आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं अभी यहाँ पे क्लिक करके आपको बताता हूँ कि अगर हिंट पास क्वेश्चन भी हमें भूल चुका है तो क्या करें। तो आपको क्या करना होता है, ब्रांच कोड यहाँ पे डालना है, उसके बाद ब्रांच का नेम यहाँ पे आपको डालना होता है। अगर आपके पास नहीं है तो गेट ब्रांच नेम पे आप जा सकते हो, ब्रांच लोकेटर पे भी आप क्लिक करके ब्रांच देख सकते हो, और उसके बाद आपको यहाँ पे जो है सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना होता है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक कर देते हैं तो ये देखिए आपको एक रेफरेंस नंबर देता है, इसको नोट डाउन करें, और अगर आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना होता है। जैसे आप क्लिक करते हैं तो ये देखिए यहाँ पे एक एप्लीकेशन फॉर्म आपके पास आ जाता है जो कि इंटरनेट बैंकिंग से रिलेटेड होता है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म है फॉर रीसेट द प्रोफाइल पासवर्ड। इस एप्लीकेशन फॉर्म को आप फिल करें और अपनी ब्रांच में दें और ब्रांच आपको जो है आपका पासवर्ड जो है वो दे देता है, जो कि आपका प्रोफाइल पासवर्ड होता है वो आपको भेजता है, और इस प्रकार आपको अपना प्रोफाइल पासवर्ड मिल जाता है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कोई भी इंटरनेट बैंकिंग में ट्रांजेक्शन करने के लिए, नए पे ऐड करने के लिए, बल्क पेमेंट करने के लिए। सो फ्रेंड, इस वीडियो को भी देखने के बाद शेयर जरूर करें, हो सकता है इससे किसी को मदद मिल सके, और लाइक करें मेरे वीडियो को अगर आपको इसमें कुछ भी अच्छा लगता है, और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर दें कि आप नेक्स्ट वीडियो कौन सा देखना चाहते हैं, सो दैट हम आपकी जो है रिक्वायरमेंट से, आपके क्वेश्चन से, आपके डाउट्स के अकॉर्डिंगली आपको वीडियो जो है वो सर्व कर सके। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने कंप्यूटर गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो यहाँ पे रेड का जो सब्सक्राइब इंडिकेशन दिखाई दे रहा है वहां पे टच करें, और उसके बगल में लाइक बटन है उसको जरूर लाइक करें, सो दैट हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते रहें और आप हमारे साथ बने रहें। और आपका कीमती वक्त हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप ऑन वॉचिंग कंप्यूटर गुरुजी चैनल। हैव ए गुड डे।